वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। सही जवाब देने वाले पहले 5 लोगों को अगले वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। तो मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि इंसानों ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि उन्होंने नेचर का कुछ सोचा ही नहीं। उन्होंने वॉर में इंसानों की जगह रोबोट्स को भेजना शुरू कर दिया, जिस वजह से और सारी वॉरों ने जन्म लिया और चारों तरफ रेडिएशन फैली और नेचर को उससे नुकसान हुआ। वहीं दूसरी ओर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इतनी ज्यादा फैक्ट्रियों की स्थापना हुई कि वहां के पॉल्यूशन की वजह से नेचर को और नुकसान हुआ, और ये सब मिल करके एक जहरीली हवा को जन्म दे गया। उस हवा की वजह से काफी सारे लोगों की मौत होने लगी और आने वाली जो पीढ़ी जन्म ले रही थी उसको वो बीमारी अपनी चपेट में ले रही थी और उनकी मौत हो जा रही थी। हमें आवाज सुनाई देती है टायलर की। टायलर बताता है कि उसकी बच्ची को भी ये बीमारी हो गई थी और उसने भी आने वाले समय में उसका साथ छोड़ दिया। ऐसे में स्काईनेट नाम की कंपनी ने एक ऐसे नेट बनाने का फैसला लिया जिसके अंदर इंसान रहेगा और उसको बिल्कुल प्योर एयर मिलेगी। जब स्काईनेट बनाया जा रहा था तब आउटर स्पेस से एक मीटियोर आकर के गिरा स्काईनेट के अंदर, और उसके अंदर था एक पौधा जिसका नाम था पेंडोरा। पेंडोरा पानी के कॉन्टेक्ट में आने के बाद बहुत तेजी से बढ़ जाता और वो उस जगह को चारों तरफ से कब्जा कर लेता। लेकिन पेंडोरा से उनको एक फायदा भी था। पेंडोरा गंदी एयर को खा करके उसको पूरी तरीके से प्योर कर देता था। साइंटिस्ट की एक टीम एक ऐसा तरीका ढूंढने में लगी हुई है जिसकी हेल्प से वो पेंडोरा का बढ़ना रोक सके और उसका इस्तेमाल एयर को प्योरीफाई करने में कर सके। अब टॉम जो कि एक कर्नल होती है वो एक मिशन लेकर के पहुंचती है शॉन ली के पास। शॉन ली स्काईनेट का मेजर जनरल होता है। वो उससे कहती है कि उनको ये पता चला है कि 6 से 7 घंटे में 2 बारिशें होने वाली हैं और उन बारिशों के बाद इतना ज़्यादा पानी मिल जाएगा पेंडोरा को कि वो पूरे के पूरे एरिया में कब्जा कर लेगा और फिर उसको रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे में हम एक मिशन के साथ आए हैं। हमने एक ऐसे सीरम को ढूंढ लिया है जिसको अगर हम पेंडोरा के पेट के पास लगा दें तो उसके ब्लास्ट से एक ऐसी गैस निकलेगी जो कि पेंडोरा का बढ़ना रुकवा देगी और उसके बाद हम उसको एयर को प्योरीफाई करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा मिशन फेल हो गया तो हमारे पास प्लान बी भी है, पर उससे पहले वो प्लान ए समझाती है जिसमें कि वो ये बताती है कि जेट्स की मदद से हम लोग पेंडोरा के पेट को ढूंढेंगे और उसके लिए हम पेंडोरा को एक पाउडर खिलाएंगे जो कि उसके पेट तक जाएगा और उस पाउडर से हमें उसके पेट की लोकेशन मिल जाएगी। एक बार हम उसके पेट की लोकेशन पा जाएंगे उसके बाद वहाँ पे हम ड्रोन्स को भेजेंगे। ड्रोन्स जा करके उसके पेट पे उस सीरम को लगा देंगे और पेंडोरा का बढ़ना रुक जाएगा और इसके बाद हम उसका इस्तेमाल एयर को प्योरीफाई करने में कर सकते हैं। वहाँ खड़े छांग कहते हैं आपका प्लान बी क्या है। वो बताती हैं प्लान बी में दूसरी बारिश आने से पहले हमें पेंडोरा के ऊपर बॉम्ब को गिराना पड़ेगा और उसको पूरी तरीके से ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो इतनी बुरी तरीके से बढ़ेगा कि वो पूरे के पूरे 5.6 मिलियन लोगों को जो कि B16 एरिया में रहते हैं मार डालेगा। ये बात सुनने के बाद चांग कहता है आपको पता है कि अगर हमने वहाँ पर धमाका किया तो लगभग 1,60,000 लोग मारे जाएंगे। उसकी बात काट के टॉम कहती हैं कि हम इवैक्यूएट नहीं कर सकते हैं, उससे भगदड़ होगी और हमें इतने लोगों की बलि देनी पड़ेगी अगर हमें आगे की जनरेशन को बचाना है। अब चांग वहाँ पे चुपचाप खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनके पास इस बात का कोई तोड़ नहीं होता है। अब आता आपका पहला सवाल, स्पेस से आए उस प्लांट का क्या नाम था। जवाब आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। अब टॉम जाती है टायलर के पास और उसकी टीम को पूरा का पूरा प्लान समझाती है, जहाँ टायलर उसका विरोध करते हुए कहता है कि आपका ये प्लान पूरी तरीके से बेकार है, इसमें काफी सारे लोगों की जान जाएगी और हमें सिविलियन को नहीं मारना चाहिए। इस बात को काट करके टॉम कहती है कि मुझे नहीं लगता ये आदमी हमारे मिशन के लिए ठीक है। तभी चांग वहाँ पे कहते हैं कि यही मेरा सबसे भरोसेमंद आदमी है। अब वो लोग मिशन के लिए तैयार होने लगते हैं, जहाँ पे हमें कॉनर दिखाया जाता है जिसके अपने गर्लफ्रेंड से किसी बात की वजह से बहस हो गई होती है। कॉनर उसी प्लेन में बैठता है जिसको टायलर चला रहा होता है और टायलर के साथ उसका एक और साथी होता है। वो सब लोग जाते हैं पेंडोरा के मुंह के पास और उसके सारे मुंहों को वो लोग पाउडर खिला देते हैं। पाउडर के बाद उनको उसके पेट की लोकेशन मिलने लगती है, पर उन्हें जेट से उसके पेट तक पहुंचना होता है। जब वो पेट तक जा रहे होते हैं तो उनके 4 से 5 जेट्स पर पेंडोरा अटैक कर देता है और एक एक करके लगभग सब जेट्स को तोड़ देता है। ऐसे में एक बड़ा सा ड्रोन ऊपर खड़ा रहता है जिसमें कि 3 से 4 बॉट्स चपके होते हैं। उन्हीं में से एक बॉट को नीचे जा करके पेंडोरा के पेट में वो सीरम लगाना होता है। जब टायलर का जेट अकेला बचता है तो वो कैसे तैसे पेंडोरा के पेट तक पहुंच जाता है। वो पेट की लोकेशन ऊपर हेडक्वार्टर तक पहुंचा देता है। वहीं दूसरी ओर शॉन ली अपने बेस में बैठे बैठे एक ड्रोन को हाईजैक कर लेता है और वो उससे ऊपर की जेट की पिन खिंचवा देता है, जिससे कि पूरा का पूरा जेट ब्लास्ट हो जाता है और उनका मिशन अनसक्सेसफुल हो जाता है और ड्रोन के साथ वो जेट नीचे गिरता है आकर के। अब टायलर अकेला बचता है कॉनर और अपने साथी के साथ, तभी उसके ऊपर पेंडोरा अटैक कर देता है। पेंडोरा से बचते बचते उनका जेट क्रैश हो जाता है और टायलर और बाकी सब नीचे गिरते हैं आकर के। टायलर की आंख खुलती वो देखता है कॉनर तो ठीक है पर उसका दूसरा साथी पूरी तरीके से घायल हो चुका है। वहीं दूसरी ओर टॉम ये फैसला लेती है कि उसका मिशन अब पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल हो चुका है और हैवी रेन आने वाली है, अगर बारिश पेंडोरा को मिल गई तो वो बढ़ जाएगा। ऐसे में वो बॉम्ब गिराने का फैसला ले लेती है। तभी उसकी बात काटते हुए चांग कहता है कि अभी मेरी 3 आदमी वहाँ पे हैं,
मुझे उन पर पूरा भरोसा है। आप मुझे 3 घंटे दीजिए, अगर बारिश होती है और 3 घंटे तक हम मिशन नहीं पूरा कर पाते हैं तो आप बॉम्ब को गिरा दीजिएगा। टॉम इससे कहती है, आप करेंगे क्या? चांग कहता है कि मैं जाकर के अपने साथियों को बचाऊंगा। वो एक ट्रक उठाता है और निकल पड़ता है सिविलियन के पास। वहां पे वो अपने दोस्त टाइलंग के पास जाता है। टाइलंग टाइलर का दोस्त होता है और वो चांग के साथ मिशन किया करता था, लेकिन टाइलर एक बार अपने आप को बचाने के चक्कर में काफी सारे सोल्जर्स को छोड़ के वहां से भाग आया था, जिस वजह से टाइलर ने लड़ाई करके उसको जॉब से निकाल दिया था। टाइलंग के पास जाने के बाद चांग उससे कहता है कि ये ट्रक तुमको मिलेगा, पर तुम्हें मेरे साथ उस एरिया में चलना होगा जहाँ पे टाइलर फंसा हुआ है। वहीं दूसरी ओर टाइलर कॉनर और अपने दूसरे साथी को लेकर के हॉस्पिटल की ओर बढ़ता है, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब होती है। वहां पे वो देखता है कि उसका जख्म बहुत बड़ा है। वो कॉनर से कहता है, इसके जख्म को दबाओ, मैं अंदर जाकर के दवा लेकर के आता हूँ। वो अंदर दवाइयां लेने जाता है जहाँ पे उसे किसी के होने का एहसास हो रहा होता है। वो अपनी गन को ताने रहता है। वहीं दूसरी ओर कॉनर के साथी के ऊपर एक एलियन अटैक कर देता है और उसको घसीट के वहां से ले जाता है। अब कॉनर काफी घबरा जाता है और वो अपने आप को जाकर के एक अलमारी में बंद कर लेता है। टाइलर अंदर होता है जहाँ पे उसे एक बच्ची मिलती है। वो बच्ची को लेने जाता है तभी उसके ऊपर वो एलियन अटैक कर देता है। वो उस एलियन के ऊपर काफी सारी गोलियां चलाता है और काफी मशक्कत के बाद वो उसको मार गिराता है। वो उस बच्ची से पूछता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? बच्ची उसको बताती है, मैं यहाँ पे अपनी मदर के साथ आई थी, लेकिन एकदम से ये पेड़ बढ़ा और इसने सबको मार दिया। अब मैं यहाँ पे अकेली बची हुई हूँ। टाइलर उस बच्ची को लेकर निकल रहा होता है तभी वहाँ पे एलियंस आ जाते हैं। अब टाइलर ऑलमोस्ट उनके बीच में फंस गया होता है कि तभी वहाँ पे चांग आ जाता है। चांग ने एक ऐसा रोबोटिक सूट पहना होता है जिसकी हेल्प से उसकी पावर लगभग 20 गुना ज्यादा बढ़ गई होती है और वो उन एलियंस को बड़े आराम से मारता है। अब चांग उनकी हेल्प करता है वहां से भागने में और वो उन सबको लेकर के बस के पास पहुंचता है। अब उसके बाद वो लोग GPS की मदद से कॉर्नर को ढूंढते हैं, जहां पे कॉर्नर उनको बताता है कि वो अपना दूसरा साथी मारा जा चुका है, उस एलियन ने उसको खत्म कर दिया। इसके बाद वो लोग अपनी बस से निकलते हैं उस एरिया पे जहाँ पे वो सीरम पड़ा हुआ होता है। उनको GPS से पता चल जाता है कि ऊपर के बिल्डिंग के मलबे में वो सीरम पड़ा हुआ है। उन्हें उस सीरम को ढूंढ करके जा करके पेंडोरा के पेट में लगाना होता है। सीरम को ढूंढने के लिए टाइलर और चांग निकल जाते हैं अपना रोबोटिक सूट पहन करके। वहीं दूसरी ओर कॉनर की गर्लफ्रेंड उसको मैसेज करके बताती है कि तुम्हारे मिशन को अनसक्सेसफुल करने के पीछे किसी का हेडक्वार्टर से यहाँ था। तुम्हें उस ड्रोन को पकड़ना होगा और उसके हेड से तुम्हें ये पता करना होगा कि किसने उसको कमांड दिया था उस बॉम्ब को फोड़ने के लिए। वो जाता है उस जगह पे जहाँ पे उस ड्रोन का मलबा पड़ा होता है और वहाँ पे उसे उस ड्रोन का सर मिलता है। वो सर को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर टाइलर और चांग जिस बिल्डिंग में पहुंचते हैं वहां पे चारों तरफ काफी तबाही मच गई होती है और वो बिल्डिंग काफी कमजोर होती है। आगे जाकर के उन्हें वो सीरम मिल जाता है। सीरम लेने जब टाइलर जाता है तो उसको काफी मुश्किल होती है, लेकिन बाद में वो सीरम को पा जाता है, पर इस वजह से बिल्डिंग इतनी ज्यादा डैमेज हो जाती है कि वो पलटने लगती है। अब वो वहां से चांग को लेकर के भाग रहा होता है तभी वो लोग नीचे देखते हैं कि वहां पे कॉर्नर उस रोबोट का सर लेकर के बैठा हुआ है और उसके ऊपर एक गाड़ी गिरने वाली है। वो लोग जाकर के कॉर्नर को बचा लेते हैं और उसको लेकर के वहां से बाहर निकलते हैं। इसके बाद वो लोग कॉर्नर से कहते हैं, तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे? कॉर्नर बताता है कि मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा था कि अंदर से किसी ने इस ड्रोन को ऑर्डर दिया था, जिसके बाद इसने बॉम्ब की पिन खींच करके सारे मिशन को अनसक्सेसफुल किया। वो देखते हैं तो ड्रोन के हाथ में बॉम्ब की पिन और उसने पिन को खींच करके ही प्लेन को ब्लास्ट किया होता है। चांग को पता चल जाता है कि ये सब किया दरअसल शान ली का है। वो शान ली को फोन करके कहता है, जो तुम ये कर रहे हो पैसे कमाने के लिए, ये पूरी तरीके से गलत है। ऐसे कितने लोगों की जान जाएगी, कभी तुमने सोचा है? शान ली उससे कहता है, मुझे उससे मतलब नहीं है। अगर पेंडोरा बच गया और उसने एयर को प्योरीफाई करना शुरू कर दिया तो मेरा स्काईनेट बंद हो जाएगा। मुझे अपना स्काईनेट नहीं बंद करना है। और वो उनके पीछे 5 से 6 ड्रोन लगा देता है। अब वो लोग गाड़ी में बैठ करके पेंडोरा के पेट की ओर निकल रहे होते हैं तभी उनके पीछे ड्रोन्स पड़ जाते हैं। ड्रोन से लड़ाई करने के दौरान उन दोनों के सूट काफी ज्यादा डैमेज हो जाते हैं और इसके साथ साथ उनकी गाड़ी भी काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है। पर एक एक करके वो ड्रोन्स को मार गिराते हैं, लेकिन एक बड़ा सपोर्ट उनकी गाड़ी के पीछे लगा रहता है। वहीं सामने का पुल डैमेज हो जाता है और अपनी स्किल्स की हेल्प से टाइलंग उस पुल को क्रॉस कर लेता है, लेकिन वो ड्रोन अपनी पूरी ताकत लगा के उस गाड़ी को नीचे घसीट रहा होता है। अब जान जाता है चांग कि उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना सारी की सारी टीम मारी जाएगी। वो सीरम टाइलर के हाथ पकड़ाता है और उससे कहता है, तुम्हें पेंडोरा के पेट में इसको लगाना होगा। और वो जा करके ड्रोन के ऊपर कूद जाता है और उसका हाथ काट के उसके साथ नीचे गिर जाता है। जाकर के टाइलर को लगता है कि चांग की मौत हो गई है और उसको काफी बुरा लगता है और वो लोग वहां से आगे चले जाते हैं। वहीं हमें देखने को मिलता है कि चांग की अभी मौत नहीं हुई है। सूट ने उसको बचा लिया है और वो खड़ा होकर के निकल पड़ता है पेंडोरा के पेट की ओर। तो अब आता है आपका दूसरा सवाल, उस मेजर जनरल का क्या नाम था जो कि मिशन को होने से रोक रहा था? जवाब आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। शॉनली टॉम को बुलाता है और उससे कहता है कि तुमको प्लान बी को एग्जीक्यूट करना चाहिए। टॉम उससे कहती है कि अभी हमारी वहां पे टीम है और मुझे ऐसी उम्मीद है कि टीम सब कुछ कर लेगी। अगर वो 10 मिनट पहले तक बारिश के मिशन को सक्सेसफुल नहीं कर पाते हैं तो हम उनके ऊपर बॉम्ब गिरा देंगे। वहीं दूसरी ओर टाइलर पहुंच जाता है पेंडोरा के पेट के पास
और वो कॉनर को वो सीरम देते हुए कहता है कि तुम्हें पेंडोरा के पेट तक का रास्ता बनाना है और नीचे जाके इस सीरम को वहीं पे खोलना है। मैं यहाँ पे शॉनली के भेजे हुए ड्रोन्स को रोकता हूँ। वहाँ पे शॉनली के ड्रोन्स आ जाते हैं और उनसे टाइलर लड़ाई करता है और उसकी हेल्प इसमें टाइलंग भी करता है। कॉनर नीचे का रास्ता तो बना देता है लेकिन तभी उसके पैर में गोली लग जाती है और ये काम एक ड्रोन का होता है। उस ड्रोन को रोकने के लिए टाइलर आगे आता है और उन दोनों ड्रोन से वो अकेले लड़ाई कर रहा होता है। टाइलंग भी छुप छुप के उन सबके ऊपर अटैक कर रहा होता है लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा होता है। हमें देखने को मिलता है कि टाइलर का पूरा सूट डैमेज हो चुका है और वो वहाँ पे गिर गया है। दोनों ड्रोन्स मिल करके उसको काफी मार रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कॉनर उस बच्चे को लेकर के बस के पास छुप जाता है क्योंकि वो घायल हो गया होता है। तभी उस बस के ऊपर ड्रोन एक मिसाइल मार देता है और वो बस ब्लास्ट हो जाती है। अब टाइलर को काफी दुख होता है और गुस्सा आता है क्योंकि उसकी बच्ची भी जा चुकी थी और वो एक छोटी बच्ची को नहीं बचा पाया है। गुस्से में आकर के वो ड्रोन को फोड़ देता है और वो बड़े वाले ड्रोन के ऊपर एक मिसाइल चलाता है। इससे उस ड्रोन को कुछ होता नहीं है लेकिन तभी टाइलर वहां पे आ जाता है और वो अपनी गन से उस ड्रोन को फोड़ डालता है। अब जब टाइलर को दुख हो रहा होता है तभी वहां पे आ जाता है चांग। चांग के हाथ में सीरम होता है और चांग ने मिसाइल के दगने से पहले ही कॉनर और उस बच्ची को बचा लिया होता है। चांग कहता है टाइलर से कि तुमने बहुत अच्छा किया है, अब मैं जा करके उस पेंडोरा के पेट में सीरम को लगा देता हूँ। वो नीचे जाता है पेंडोरा के पेट के पास जहाँ उसे पता चलता है कि वो सब चींटी जैसे दिखने वाले एलियन असल में पेंडोरा के ही पैदा किए हुए हैं और वो पेंडोरा की रक्षा करते हैं। हेडक्वार्टर में कॉनर की गर्लफ्रेंड को वो चिप मिल जाती है जो कि उसको कॉनर ने भेजी होती है। उस चिप में इनफ प्रूफ होते हैं ये साबित करने के लिए कि शॉनली वो गुनहगार आदमी है जिसने मिशन को सफल होने से रोका है। वो चिप दे देती है टॉम को। टॉम जाकर के शॉनली के ऊपर गोली तानते हुए कहती है अपने स्वार्थ के लिए तुम लोगों की जान लेने वाले थे। तभी शॉनली कहता है थोड़ी देर में बारिश होने वाली है और मेरा स्काईनेट फिर से बन जाएगा। तभी हम देखते हैं कि चांग जाकर के सीरम को एक्टिवेट कर देता है और पेंडोरा की जड़ बढ़ना रुक जाती है और वहां पे सारे एलियंस भी उस सीरम की वजह से मर जाते हैं। चांग ऊपर आता है और टाइलर और अपनी टीम को लेकर के वहां से निकल जाता है हेडक्वार्टर के लिए। शॉनली जब अपने मिशन को अनसक्सेसफुल होता देखता है तो गन उठा करके आत्महत्या कर लेता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पेंडोरा की हेल्प से अब धरती को प्योरीफाई करने में सारे साइंटिस्ट लग चुके हैं और लोग बिना स्काईनेट के भी बाहर रह सकते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।